नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्निफाई इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सावंत आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिन से मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि पंप अलाइनमेंट का कैलकुलेशन मैन्युअली कैसे किया जाए। पंप अलाइनमेंट के लिए मैं पहले भी कुछ वीडियो अपलोड किया हूँ कि पंप अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, उसका सैगिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, पंप अलाइनमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, कितने तरह का पंप अलाइनमेंट किया जा सकता है। ऑल दिस थिंग्स मैं पहले अपलोड किया हूँ। उसमें मैं बताया था कि जब हम लोग करते हैं मैनुअली, लेजर टेक्निक नहीं है, मैनुअल मैनुअल में हम लोग जब करते हैं तब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे कि कौन सा पोर्ट में हमको कितना सिम लगेगा और हम लोग उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पंप अलाइनमेंट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो वो कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा हम लोग रिकैप कर लेते हैं जो पहले हम लोग पढ़े थे, पहले का पुराना का वीडियो अगर आपको याद होगा, नहीं तो आप पुराना वीडियो भी जाकर देख सकते हैं कि मिस अलाइनमेंट जो होता है वो कितने तरह का होता है, मिस अलाइनमेंट क्यों होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जनरली मिस अलाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं, तीन तरह का होता है, वर्टिकल मिस अलाइनमेंट हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और एंगुलर हो सकता है। तो उसमें आपको जो एक काम में नियुक्त हैं उनको पता होगा, कभी भी हम लोग क्या करते हैं, पंप को हम लोग स्टेबल रखते हैं और मोटर को हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो पंप क्या हो जाता है, जो इक्विपमेंट हम लोग जो लिखे हैं, पंप इक्विपमेंट जो है और जो ड्राइवर है, जो मोटर है, तो पंप को क्या कहा जाता है, अपने जगह पे रखा जाता है और ड्राइवर को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और एंगुलर जो मिस अलाइनमेंट होता है उसका करेक्शन किया जाता है। ये हो गया एंगुलर मिसअलाइनमेंट। पहले सारे स्लाइड में आप देखे थे कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट क्या होता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिसअलाइनमेंट को हम लोग कैसे रेक्टिफाई करते हैं, आगे पढ़ेंगे। और ये दूसरा तरह का, एक तीसरा तरह का एंगुलर मिसअलाइनमेंट है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मिसअलाइनमेंट व्हिच इज कॉल्ड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो हम लोग करेक्शन कैसे करते हैं, जनरली कभी आपको वर्टिकल प्लेन में मान लीजिए इक्विपमेंट और ड्राइवर के बीच में कुछ गैप रहता है वर्टिकल अलाइनमेंट में, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें सीम ऐड करते हैं। सीम ऐड करके हम लोग उसको, उसका जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन में हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल मिस अलाइनमेंट जो रहता है। पैरेलल मिस अलाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सीम ऐड करते हैं और सीम ऐड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो दोनों इक्विपमेंट को एक ही लाइन में लाते हैं, एक ही सेंटर लाइन में लाते हैं, सो दैट द मिस अलाइनमेंट कैन बी करेक्टेड। अगर मिस अलाइनमेंट रहेगा उसमें क्या क्या दिक्कत आएगा मैं पुराने वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया था, आप वो पुराना वीडियो जाके चेक कर सकते हो। तो आप इधर देख सकते हो कैसे हम लोग सिम डाल के उसको एक प्रॉपर लाइन में मेंटेन करते हैं, सो दैट द वर्टिकल प्लेन इज इन वन सेंटर लाइन ओनली। पैरेलल मिस अलाइनमेंट हम लोग ऐसे उसको रेक्टिफाई करते हैं। मान लीजिए कोई एंगुलर मिस अलाइनमेंट है, एंगुलर मिस अलाइनमेंट को भी हम लोग सिम के सहारे उसको एक ही प्लेन में करेक्शन करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जब रहता है वो हो गया वर्टिकल और एंगुलर। वर्टिकल और एंगुलर में हम लोग क्या करते हैं, जनरली सिम का रिप्लेसमेंट, एडिशन और डिलीशन ऑफ द सिम्स, अगर कुछ बड़ा सिम है तो उसको हटाने का, नहीं तो कुछ ऐड करने का, ऐसे ऐड करके हम लोग क्या करते हैं एंगुलर और वर्टिकल प्लेन में उसको एडजस्ट करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या है, एडजस्टेबल स्क्रू रहता है, ये होता है एडजस्टेबल स्क्रूज। तो एडजस्टेबल स्क्रूज से हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल मिस अलाइनमेंट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन में उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इधर आप देख सकते हो पैरेलल मिस अलाइनमेंट को कैसे इधर एडजस्ट किया गया है। ठीक है, इसको एक प्लेन में लाया जाता है। ठीक है, अगर कोई एंगुलर मिस अलाइनमेंट है सिमिलरली, तब हम लोग क्या करते हैं, जो एडजस्टेबल स्क्रू है, जो एडजस्टेबल स्क्रू है, इसको बराबर एक सेंटर लाइन मेंटेन किया जाता है। पहले सेंटर लाइन सही में नहीं था, ये सेंटर लाइन को मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो स्क्रू जहां से हमारा कैलकुलेशन निकलता है वो स्क्रू को हम लोग ज्यादा पुश करते हैं और उसको एक पैरेलल लाइन में मेंटेन करते हैं। तो ये सब चीज करने के लिए आपको किसका जरूरत पड़ता है, डायल गज का जरूरत पड़ता है, डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर कितना तरह का होता है और उसका फंक्शन क्या है हम लोग पढ़ेंगे, ये सब चीज मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो डायल इंडिकेटर हमारा क्या होता है, बैलेंस टाइप एक होता है जो निगेटिव डायरेक्शन स्टीम आउट दिखाता है और पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों साइड में दिखाता है। अगर डायल इंडिकेटर को यूज करना है तो दो तरह का डायल इंडिकेटर आता है,
एक बैलेंस टाइप है जिसमें आपको खाली एक ही रीडिंग आएगा और आपको काउंट करना पड़ेगा। इसमें एडिशनल कुछ काउंटिंग के लिए आपको एडिशनल कुछ और कलम नहीं रहेंगे, ठीक है? तो ये हो गया बैलेंस टाइप के लिए। और दूसरा रहता है कंटिन्यूअस टाइप। जो कंटिन्यूअस टाइप में हर एक रीडिंग के बाद आपको क्या होता है, इधर में एक शो करता है कि आपका वो जो रीडिंग आप लिया उस रीडिंग के हिसाब से आपको इधर काउंटिंग में ही रहता है, ठीक है? कंटिन्यूअस टाइप में, जिसमें आपको पता चलता है कि कितना फुल टर्न हुआ और उसके बाद कितना आगे गया। स्मॉल निडल एक उधर में रहता है कंटिन्यूअस टाइप में। तो प्रिपरेशन और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम लोग कैसे करते हैं? तो जनरली अलाइनमेंट को करने से पहले आपको पहले पता होना चाहिए सब चीज। आप पहले चेक किया करो कि आपका पाइप स्ट्रेंथ जो होता है, बोल्ट टर्किंग वगैरह जो रहता है, वो सब कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर बोल्ट टर्किंग नहीं हुआ है और आप अलाइनमेंट करने के लिए जा रहे हो तो आपको दिक्कत आ सकता है अलाइनमेंट बोल्ट टर्किंग होने के बाद। सॉफ्ट फुट करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है? सॉफ्ट फुट क्या है? आपका जो मोटर का बेस है, अगर मोटर का फुट है वो बेस के ऊपर बराबर बैठता है कि नहीं बैठता है, उसके लिए हम लोग एक ब्लू मैचिंग करते हैं। क्या करते हैं ना, आप ब्लू कलर लगा के हम लोग उसके ऊपर फ्रेम के ऊपर बिठाते हैं और देखते हैं पूरा ब्लू कलर उसके साथ मैच लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जहां पर नहीं लग रहा है उसका मतलब है वो जगह बराबर फ्रेम के ऊपर नहीं बैठ रहा है, तो उसको सब फुट बोलते हैं, उसको करेक्ट करना पड़ता है। रनआउट कितना है, थर्मल ग्रोथ कैसा कर रहा है, थर्मल अगर मशीन गर्म हो रहा है, मैकेनिकल सेंटर मेंटेन हुआ है कि नहीं, मैग्नेटिक सेंटर मेंटेन हुआ कि नहीं, तो ये सब चीज क्या करना पड़ता है, पहले थोड़ा कंसिडर करना पड़ता है। तो इधर पाइप स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल दिया गया है। इधर अगर आप देख सकते हो, इधर आपका जो बोल्ट बोल्ट है ये सब बराबर टर्किंग होना चाहिए, ठीक है? एक लूज में और एक टाइट होने के बाद। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बोल्ट बोल्ट वगैरह सब लूज करते हैं और अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट करने के बाद हम लोग उसके साथ जो जो पाइपिंग कनेक्शन हुआ है, पंप के साथ जो जो पाइपिंग कनेक्शन हुआ है, वो पाइपिंग कनेक्शन करके उसका बोल्ट टर्किंग करते हैं। बोल्ट टर्किंग करने के बाद फाइनल अलाइनमेंट लेते हैं टू कंफर्म कि पाइप स्ट्रेंथ, पाइप का जो स्ट्रेंथ है उसका अलाइनमेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कुछ नहीं, कुछ आया नहीं, ठीक है? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बिफोर टर्किंग एंड आफ्टर टर्किंग दो बार उसको चेक करते हैं। सब फुट क्या करता है, सब फुट इस पर 686 वो बोलता है, 0.002 इंच तक अलाउट किया जाता है। मैं आपको जैसे बताया सब फुट बोले तो आपको जो 4 फुट होता है, 4 फुट में चारों का चारों फुट बराबर बेस प्लेट के ऊपर बैठना चाहिए। अगर नहीं बैठा है तब हम लोग क्या करना चाहिए, इधर मशीनिंग करना चाहिए नहीं तो ग्राइंडिंग करना चाहिए करके उसको बराबर बिठाना चाहिए। उसको हम लोग सब फुट बोलते हैं। सब फुट करेक्शन इज मस्ट। मेजरमेंट ऑफ बार सेग, बार का सेगिंग हम लोग सेगिंग के लिए एक वीडियो में बनाया था, आप पहले जाके देख सकते हो। पॉजिटिव सेगिंग नेगेटिव सेगिंग क्या है और सेगिंग को हम लोग कैसे ऐड किया जाता है, सेगिंग आपको करेक्ट करना पड़ता है। सेगिंग का मतलब है हम लोग रोटेट करने के बाद जो बार लेंथ है वो कितना बेंड होता है उसको हम लोग सेगिंग बोलते हैं, और उसको ऐड और डिलीट किया जाता है। क्योंकि अगर वो बेंड हो जाएगा तो डायल इंडिकेटर नीचे आ सकता है और हमारा रीडिंग के ऊपर इफेक्ट आ सकता है, तो उसको हम लोग सेगिंग बोलते हैं। तो सेगिंग को हम लोग को करेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हाउ टू डू अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी भी इक्विपमेंट को स्टेबल किया जाता है और जो ड्राइवर है या मोटर है, मोटर को रोटेट करके उसके ऊपर डायल इंडिकेटर लगा के हम लोग उसको रोटेट करते हैं और उसका रीडिंग लेके कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना सिम ऐड होना है सो दैट बोथ विल बी ऑन ए सेम सेंटर लाइन। तो हर मेथड का अलग अलग तरीका होता है करने का। तो पहला तरीका हो गया रिवर्स अलाइनमेंट। रिवर्स अलाइनमेंट में हम लोग कैसे करते हैं, रिवर्स अलाइनमेंट में आपको पहले याद रखना पड़ेगा ये जो फुट है इसको हम लोग इनबोर्ड बोलते हैं, ये जो फुट है इसका जो सेंटर लाइन है बोल्ट का उसको हम लोग आउटबोर्ड बोलते हैं। तो ए हो गया फिक्स, एफ फॉर फिक्स और एम फॉर मूवेबल। फिक्स हो गया पंप और एम हो गया मूवेबल मतलब मोटर। इधर हम लोग डायल इंडिकेटर यूज किए, डायल इंडिकेटर यूज करने के बाद हम लोग रिवर्स अलाइनमेंट कर रहे हैं, तो दोनों तरफ से दो डायल इंडिकेटर यूज किया गया। यूज करने के बाद हम लोग रोटेट करेंगे और रोटेट करके चेक करेंगे। इसमें तीन डायमेंशन जो मैं मेंशन किया हूं वो तीनों डायमेंशन को आपको नोट डाउन करना है। D1, D1 क्या है, सेंटर
सेंटर लाइन अप ड्राइवर फिक्स्ड वन एंड सेंटर लाइन अप मूवेबल वन, उसका जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी वन बोलते हैं, ठीक है। डी टू सेंटर लाइन अप फिक्स्ड वन और एंड द इनबोर्ड सेंटर लाइन जो है हमारा पहला जो आता है जो स्क्रू आता है जो बोल्ट आता है वो बोल्ट का सेंटर लाइन जो है उसको हम लोग डी टू बोलते हैं। डी थ्री फ्रॉम दिस सेंटर लाइन टू द फार एंड, फार एंड में जो बोल्ट लगा है उसका सेंटर लाइन हम लोग बोलते हैं डी थ्री, ठीक है। तो अभी हम लोग ये हो गया एफ, एफ फॉर फिक्स्ड वन एंड एम फॉर मोटर, ये आपको याद रखना है बराबर। तो फिक्स को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिक्स को घुमाएंगे, हमारा रिवर्स अलाइनमेंट था तो हम लोग क्या करें दो डायल गेज लगाएं, इधर एक डायल गेज है और यहां से जाके इधर एक डायल गेज है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे फिक्स वाले को घुमाएंगे पहले, और घुमाने के बाद चेक करेंगे इधर क्या गया है, इसको डिवाइड किया गया है चारों तरफ से, ठीक है। 0, 90, 180, 270, 360 क्या बोलते हैं, 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock। तो हम लोग 12 o'clock में क्या आ रहा है रीडिंग उसको लेंगे, मान लीजिए 0 आया, 3 o'clock में 0 आया, 6 o'clock में 36 आया और 9 o'clock में 0 आया। सिमिलरली मूवेबल में हम लोग चेकिंग किए, 12 o'clock में 64 आया, 3 o'clock में 0 आया, 6 o'clock में 0 आया और 9 o'clock में 0 आया। जब कोई भी रीडिंग आपको 36 इधर आता है, 64 इधर आता है, कुछ भी आता है, उसका मतलब है आपको ये मान लो 36 आया तो उसका मतलब है इट विल मूव 18 टुवर्ड्स टॉप साइड, ऊपर 18 जाएगा। इसका मतलब कभी भी 36 आता है यू हैव टू मेक इट डिवाइड बाय 2, अगर वो 18 ऊपर जाएगा 18 नीचे रहेगा तभी एडजस्ट होगा। 64 ऊपर गया मतलब उसको 32 नीचे आना है, 62 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32 नीचे आना है तभी ये अलाइनमेंट में रहेगा। समझ रहे हो आप, आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर करता हूं। तो सिमिलरली हम लोग उसको फिर रोटेट किए और रोटेट करने के बाद हम लोग उसका डायमेंशन मेजर मेजर करने के बाद हम लोग उसका जैसे मैं बताया डिवाइड करके निकाले। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं रिवर्स अलाइनमेंट में, रिवर्स अलाइनमेंट में हमको D1 मेजर हो गया, D1 में आपको बताया था दोनों का सेंटर लाइन फिक्स और मूवेबल का, D2 फ्रॉम फिक्स टू फास्ट बोल्ट का सेंटर, D3 फ्रॉम फिक्स्ड सेंटर लाइन टू द फार एंड सेंटर लाइन, सैगिंग हम लोग इधर जीरो कंसीडर किए हैं, ठीक है। बाद में ये जो 20 आया था, ये जो 64 आया था फिक्स में और 64 40, हम लोग कैलकुलेशन करने जो रीडिंग लेने के बाद इसको हम लोग क्या करने का डिवाइड करने का, क्योंकि अगर 20 है तो 10 इट हैज टू मूव दिस साइड then it will come in center, 36 hai then it has to go far end, 18 then it will be in center, 64 hai to similarly 32 aur idhar 40 hai to 20 move karna hai। to iska formula kya hai, ye formula ko aapko yaad rakhna hai, theek hai। vertical aur horizontal ka formula kya hai, inboard bole to inboard hai to aapka fix ka center line se pehla wala bolt ka center line inboard, outboard फिक्स का सेंटर लाइन से फार एंड का जो लास्ट एंड में जो बोल्ट है उसका सेंटर लाइन, उसको आउटबोर्ड बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला है एम बी माइनस एफ बी मल्टीप्लाई बाई डी टू बाई डी वन प्लस एफ बी। अभी आप पूछोगे एम बी एफ बी क्या है, एम बी क्या हो गया जो मूवेबल है मोटर, मोटर का वर्टिकल कितना आया एम बी, ओके 32, एफ बी फिक्स का वर्टिकल कितना 18, D2 by D1, D2 का मेजरमेंट आप लिए होगे, D1 का मेजरमेंट आप लिए होगे, प्लस FB, FB आप करो 18, इसके बाद एक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इनबोर्ड में वर्टिकली मिसअलाइनमेंट कितना है। सिमिलरली आउटबोर्ड का करने के लिए दिस इज द फॉर्मूला, हॉरिजॉन्टल में करने के लिए MH माइनस FH, MH, MH हो गया आपको मोटर का हॉरिजॉन्टल जो मूवेबल पार्ट है, FH फिक्स का हॉरिजॉन्टल जो आपका पंप का है, पंप में हॉरिजॉन्टल में कितना आ रहा है D2 by D1 plus FH। इसमें पूरा अगर आप समझोगे इट्स अ बेसिकली ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, नहीं तो डायरी में रखना है किधर रखना है। मेन चीज है आपको मेजरमेंट लेना, आप जब डायल गेज से मेजरमेंट ले रहे हो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, उसमें बराबर वैल्यू लिख के
आपको लिखना है, सैगिंग पहले चेक करना है, D1 पहले चेक करना है बराबर, D2 कितना होता है वो चेक करना है, D3 कितना है वो चेक करना है। ये चेक करने के बाद ही आप ये वैल्यू का बराबर नंबर निकाल सकते हो। अभी तो चेंज हो गया, लेजर लेजर में होता है तो आपको कुछ करने का जरूरत नहीं, आप खाली लेजर डाल के चेक कर लेते हो। मगर पहले जब लेजर नहीं था तब मैनुअली ही हिसाब हो रहा था, अभी भी हो रहा है बहुत जगह पर, अभी भी मैनुअली किया जाता है और ऐसे ही उसका कैलकुलेशन होता है। तो इधर वर्टिकली आपको करने के लिए वो कैलकुलेशन का मैं इधर डिस्क्राइब किया, आप कैसे पता करोगे कितना आता है, इनबोर्ड में कितना आता है और आउटबोर्ड में कितना आएगा, उसका कैलकुलेशन आप ऐसे करोगे। जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसमें कुछ नहीं है। आप इस स्लाइड को कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके उसमें देख सकते हो और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको यूज कर सकते हो करके। आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इनबोर्ड में कितना चाहिए और आउटबोर्ड में कितना चाहिए। ये कैलकुलेशन वगैरह पूरा इधर दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हो और आप कैलकुलेशन करके, मैं अगर पूरा एक एक समझाने के लिए जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका जो कैलकुलेशन वगैरह है वो कैलकुलेशन करके आप अपने से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके देखो कि आपको कैसे पता चलता है कि हाउ दिस कैलकुलेशन कैन बी डन। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ नहीं है। खाली इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो है आपका रीडिंग लेना। आप जब डायल गेज लगा के रीडिंग लोगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिमिलरली रिवर्स अलाइनमेंट जब हम लोग कर रहे हैं, रिवर्स अलाइनमेंट में उसी तरह का कैलकुलेशन आता है और कैलकुलेशन को यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम लोग वही कैलकुलेशन को यूज करके डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना सिम ऐड होगा या कितना सिम डिलीट होगा। सेम फॉर रिम एंड फेस अलाइनमेंट में भी हम लोग सेम तरह से यूज करते हैं और उसको यूज करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें कितना हम लोग का एडिशन या डिलीशन क्या आएगा, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, आप इसको देख सकते हो, देख के बराबर समझ सकते हो। इसमें एक चीज खाली आपको बताऊं, इसमें निगेटिव सिम, निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर जो आया है, अगर आपका कैलकुलेशन के टाइम में ऊपर में जा रहा है, आप जो ट्रायंगल में बनाया है ऊपर में अगर जा रहा है पॉजिटिव, नीचे में अगर आ रहा है निगेटिव, वो आप देख सकते हो उसमें, नीचे में मैं बताया था। इधर इधर भी मैं एक बना के दिखाया हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एडिशन और डिलीशन ऑफ सिम। तो दोस्तों अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो इसमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन है जिसमें आपको ये सब याद रखना है। एक डायरी में आप इसको लिख सकते हो, लिखने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, जब साइड में जा रहे हो साइड में जाने के टाइम इसका छोटा मोटा कैलकुलेशन करके इसका निकाल सकते हो कि कौन सा प्रोसेस में आप अलाइनमेंट कर रहे हो और अलाइनमेंट करने के टाइम में आपको क्या क्या वैल्यूज चाहिए, वो वैल्यूज को लेके आप कैलकुलेशन करके कितना मील्स होता है वो आप लोग कर सकते हो। मील्स बोले तो थाउजेंड ऑफ है इंच कितना होता है वो आप करके कर सकते हो। ऑप्टिकल अलाइनमेंट जो अभी हर जगह पर यूज किया जाता है, ऑप्टिकल अलाइनमेंट में हम लोग क्या करते हैं, लेजर का यूज करते हैं जो बहुत ही इजी होता है, जिसमें हम लोग को सब फूट के बारे में पता चलता है, जिसमें हमको सिम एडिशन डिलीशन कितना करना है उसके बारे में पता चलता है। उसमें क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर रहता है और एक रिफ्लेक्टर रहता है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर को हम लोग क्या करते हैं फिक्स साइड में लगाते हैं और रिफ्लेक्टर को हम लोग क्या करते हैं मोटर साइड में लगाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली रिवर्स अलाइनमेंट, ओके। ऑप्टिकल अलाइनमेंट इज वन टाइप ऑफ रिवर्स अलाइनमेंट टेक्निक। तो हम लोग रिफ्लेक्टर के साथ में एक लेजर बीम उधर रिफ्लेक्ट करता है और वो हमको बाय सॉफ्टवेयर कैलकुलेशन बताता है कि इसमें हमको कितना सिम ऐड करना है या कितना सिम डिलीट करना है, कहाँ पर सब फूट है, और होने के बाद वो बता भी देता है कि वेदर अलाइनमेंट वॉज प्रॉपरली डन और नॉट। ये एक ट्रांसड्यूसर का कुछ पार्ट है जिसको आप देख सकते हो, ग्रीन लेड, लॉकिंग नॉब, रेड लेड, हाउसिंग मार्क, स्क्रैच डिस्टेंस एंड पावर कट। आप अगर इसको करोगे बार बार करोगे तभी आपको समझ में आएगा ये कैसे काम करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के साथ आते हैं। ये होता है रिफ्लेक्टर जिसमें बताया गया है कि कैसे रिफ्लेक्टर काम करता है और रिफ्लेक्टर को कैसे हम लोग यूज करते हैं। रिफ्लेक्टर और ट्रांसड्यूसर का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है वो भी इधर मेंशन किया गया है। पैरेलल फॉर अलाइनमेंट प्रोसीजर, सॉलिड फ्लैट फाउंडेशन, मशीन मोबिलिटी 2 mm हायर एंड स्क्रू टाइप ऑफ पोजीशन, सब फुट मस्ट बी चेक इमीडिएटली एंड थर्मल ग्रोथ नीड टू बी डिफाइंड। हॉरिजॉन्टल मशीन अलाइनमेंट हम लोग क्या करते हैं, वो एक मशीन का इंडिकेशन दिया गया है कि हम लोग जब कोई लेजर में एडजस्ट करते हैं तब हम लोग कैसे उसको लेजर का इक्विपमेंट को यूज करके हम लोग उसका अलाइनमेंट बराबर।
दिया गया है ट्रांसड्यूसर टू रिफ्लेक्टर कितना डिस्टेंस में जाता है, उसका कैसे मेजरमेंट होता है और उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए डाला हूँ, आप उसको देख सकते हो, देख में इसमें नोट्स बना सकते हो और नोट्स बना के अपने पास रख सकते हो। मैं जो आपको पहले बताया था कि रोटेटिंग इक्विपमेंट का अलाइनमेंट कैसे किया जाता है, सो दिस इज द प्रोसीजर। इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप जब रीडिंग ले रहे हो एक डायल इंडिकेटर से रीडिंग ले रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।